For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. My name is Dr. Shamim Hashim Khan. I am consultant urologist. I have done my higher qualifications from England and Ireland, and I'm trained in urology. Mardon mein baanchpan ki kai wajuhat hai aur mardon mein baanchpan ki wajuhat mein hame start karna padega ke testes, the function of testes ka function, jahan pe sperm bante hain wahan se sperm jo hai wo tube ke zariye deliver hote hain jis waqt mard apni wife ke sath milte hain. To infertility ka wajah jo hai wo isme se kisi jagah bhi ho sakti hai, to testes mein ho sakti hai ya uski tube mein ho sakti hai ya uske delivery system mein ho sakti hai. इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकल इशू से सफ़र कर रहा है या कोई ऑर्गेनिक वजह है, उसके लिए हमें पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेना बड़ी ज़रूरी है. और किसी भी पेशेंट को साइकोलॉजिकल डिक्लेयर करने से पहले हमें उसकी और तमाम जो वजूहात हैं ऑर्गेनिक कॉजेज की, उनको रूल आउट करके फिर ही हम उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. उसके बगैर एज सच किसी पेशेंट को आप साइकोलॉजिकल डिक्लेयर नहीं कर सकते. इसके लिए आपको पूरी उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, पेशेंट का एग्जामिन करना पड़ेगा और मेडिकल उसके टेस्ट्स वगैरह करवाने पड़ेंगे. मर्द हजरात इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जो सफ़र कर रहे होते हैं उनका इलाज मुमकिन है. पहले हमें उसकी कॉज को जानना पड़ेगा कि उनकी किस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई ऑर्गेनिक कोई शुगर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम है. तो हमें उस चीज़ों को रूल आउट करके फिर उस पेशेंट के लिए ख़ास तौर पर हमें उसका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसका इलाज उसके लिए करना पड़ेगा. हर इलाज हर पेशेंट के लिए मुनासिब नहीं है. अगर कोई मरीज़ इनफर्टिलिटी से बाँचपन से सफ़र कर रहा है तो उसका बेशक उसकी कॉज साइकोलॉजिकल है या उसकी कॉज ऑर्गेनिक है, किसी वजह से है, वो टाइम के साथ ठीक नहीं हो सकता, उसका इलाज करवाना ज़रूरी है. उसका इलाज के बगैर उसका ठीक होना नामुमकिन है. आजकल मर्द हजरात प्री मेच्योर एजेकुलेशन से सफ़र कर रहे हैं. प्री मेच्योर एजेकुलेशन जो है वो जब खामिद अपनी बीवी के पास जाता है तो वो उसका खराज जल्द हो जाता है. उसकी काफ़ी कॉजेज़ हैं. आजकल का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो मेन कॉज है जो लोगों के ऊपर, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि जो सेक्शुअल फंक्शन जो है वो इंसान के दिमागी हालत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. अगर आप ज़हनी तौर पे स्ट्रेस में हैं और किसी और फाइनेंशियल और या घरेलू स्ट्रेस में है तो आप इस जो है प्री मेच्योर एजेकुलेशन से सफ़र कर सकते हैं. हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट मुख्तलिफ़ यूरिनेशन के प्रॉब्लम से आते हैं. जो मोस्ट कॉमन जिससे आते हैं हमारे पास मर्द हजरात जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो उनको यूरिन पास करने में तकलीफ़ होती है, या तो वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको बार बार पेशाब आता है, रात को कई मरतबा उनको बाथरूम जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए, तो वो हमारे पास इलाज के लिए आते हैं.
और बाज़ दफ़ा वो अपना पेशाब कंट्रोल करने के काबिल नहीं होते। पेशाब जो है गैर इरादी तौर पे लूज़ कर देते हैं, वो हमारे पास आते हैं। उसके अलावा औरतें हमारे पास आती हैं पेशाब के इलाज के लिए, जो जिनको बार बार पेशाब आता है, और पेशाब जो है वो खांसी से, छींक मारने से या कोई भी वज़न उठाने से वो पेशाब बग़ैर इरादी तौर पे उनका निकल जाता है, तो वो औरतें भी हमारे पास पेशाब के इलाज के लिए आती हैं। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैं कैंसर सर्जरी में मैंने काफ़ी काम किया है, जिसमें किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर में मैंने काफ़ी काम किया है, और जिसमें हम गुर्दा जो है वो लेप्रोस्कोपिकली निकालते हैं। अगर गुर्दे के एक हिस्से में कैंसर हो तो हम उसका आधा हिस्सा भी निकाल सकते हैं, अगर कैंसर बड़ा है तो फिर पूरा जो गुर्दा है उसको निकालना पड़ता है। उसके अलावा मैंने यूरिनरी ब्लैडर मसाने के कैंसर में काफ़ी काम किया है, जिसमें हम पूरा ब्लैडर निकाल के उसके बाद पेशाब को डाइवर्ट करते हैं, या तो एक नया मसाना बना देते हैं या दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट करते हैं यूरिन को। उसके अलावा मैंने स्टोन सर्जरी में काफ़ी काम किया है, किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, यूरेटेरिक स्टोन्स, इसमें काफ़ी काम किया है, जो हम लेप्रोस्कोपिकली, एंडोस्कोपिकली और ओपन निकालते हैं, और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से किडनी स्टोन मेरा ख़ास इंटरेस्ट है, जिसे हम PCNL कहते हैं और यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं, उसमें मेरा ख़ास इंटरेस्ट है। किडनी से स्टोन निकालने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो स्टोन साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि उसका स्टोन साइज़ क्या है। अगर किडनी का स्टोन साइज़ छोटा है, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक है, तो उसको, और उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर ऐसी पोजीशन है कि उसको शॉक वेव्स के साथ ब्रेक करके वो खुद ब खुद पेशाब के ज़रिए निकल जाए, अगर वो मुमकिन है तो शॉक वेव से उसको ट्रीट करते हैं हम, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। दूसरा हम PCNL भी करते हैं, जिसे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, और वो प्रोस उसके स्टोन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हम पेशेंट की साइड में छोटा सा सुराख करके टेलीस्कोप डाल के उस स्टोन को निकालते हैं, और अगर स्टोन बहुत ही बड़ा है और इनमें से कोई प्रोसीजर फिजिबल नहीं है, तो फिर उसकी ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। किडनी से स्टोन निकालने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो स्टोन साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि उसका स्टोन साइज़ क्या है। अगर किडनी का स्टोन साइज़ छोटा है, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक है, तो उसको, और उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर ऐसी पोजीशन है कि उसको शॉक वेव्स के साथ ब्रेक करके वो खुद ब खुद पेशाब के ज़रिए निकल जाए, अगर वो मुमकिन है तो शॉक वेव से उसको ट्रीट करते हैं हम, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। दूसरा हम PCNL भी करते हैं, जिसे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, और वो प्रोस उसके स्टोन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हम पेशेंट की साइड में छोटा सा सुराख करके टेलीस्कोप डाल के उस स्टोन को निकालते हैं, और अगर स्टोन बहुत ही बड़ा है और इनमें से कोई प्रोसीजर फिजिबल नहीं है, तो फिर उसकी ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में डिफरेंस ये है कि यूरोलॉजिस्ट जो है वो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट का सर्जिकल डॉक्टर है, उसके मैकेनिक्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो किडनी का डॉक्टर है, सिर्फ वो किडनी के साथ डील करता है, और किडनी की मेडिकल प्रॉब्लम जो है, अगर कोई किडनी को डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी को डैमेज हो जाए, या और इन्फेक्शन की वजह से किडनी डैमेज होता है, तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट डील करते हैं। सर्जिकल
जितने भी प्रॉब्लम है किडनी के, प्रोस्टेट के, ब्लैडर के या यूरेटर के, वो यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। अगर आपने मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप मरहम के थ्रू मुझसे मिल सकते हैं।